अरे कृष्णा दोस्तों, तो दोस्तों कल की 2898 AD मूवी देखने के बाद हमको ये पता चला कि अर्जुन का जो वेपन था गांडीव धनुष, वो अभी सुप्रीम यास्किन के हाथों लग चुका है। और मूवी में हमको दिखाया गया था कि जब सुप्रीम यास्किन के लोग उस गांडीव धनुष को पा लेते हैं तब उसे कोई उठा नहीं पा रहा था, जैसे कि उसे उठाने के लिए एक वर्दीनेस चाहिए। लेकिन जब सुमिति के पेट से यानी कि भगवान कल्कि जी से एक बूंद सीरम को निकाल देते हैं और जब वही सीरम को सुप्रीम यास्किन अपने शरीर के अंदर ले लेता है तब वो बड़ी आसानी से उस गांडीव धनुष को उठा देता है। जैसे कि मैं शुरुआत में कहा था कि उस गांडीव धनुष को उठाने के लिए एक वर्दीनेस चाहिए और वो वर्दीनेस शायद एक देवीय एनर्जी हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन मूवी की बात साइड करें तो वो वेपन असलियत में कितना पावरफुल था आज हम बात करने वाले हैं। उसकी ओरिजिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उस वेपन को किसने बनाया था और अर्जुन के पास कैसे आया और महाभारत युद्ध के बाद वो वेपन का क्या होता है, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से गांडीव धनुष को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव ने बनाए थे और वो इस वेपन को दिव्य एनर्जी से बनाए थे और वो इस धनुष में अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और अनलिमिटेड पावर को भी डाले थे। गांडीव धनुष बन जाने के बाद उस धनुष को बहुत सारे देवता भी यूज किए थे, जैसे कि प्रजापति और इंद्रदेव और वरुण देव। लेकिन अभी एक सवाल आता है कि आखिरकार वो गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया। तो महाभारत के खंडव डहा पर्व के दौरान तो वही गांडीव धनुष अर्जुन को मिल जाता है। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, अग्निदेव खांडव वन को यानी कि खांडव फॉरेस्ट को पूरी तरह जला के वो अपनी शक्ति को फिर से पाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंद्रदेव उनके बीच में टांग अड़ा रहे थे। और ऐसा होने की वजह से अग्निदेव क्या करते ना, हो जाते हैं अर्जुन और मेरे प्रभु कृष्ण जी के पास मदद मांगने के लिए। हेल्प तो मिल जाता है लेकिन हेल्प के बदले में अग्निदेव उनको एक दिव्य हथियार देते हैं और उसके बाद जाके समंदर के देवता और गांडीव धनुष के पूर्व धारक वरुण देव आके अर्जुन को वही गांडीव धनुष दे देते हैं और धनुष के साथ हनुमान जी की ध्वजा वाला एक रथ को भी देते हैं। तो इस प्रकार ये गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ पहुंचा था। तो उसके बाद इस गांडीव धनुष के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और उसके बाद यही गांडीव धनुष महाभारत के युद्ध में किस प्रकार का रोल निभाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धनुष के दिव्य गुणों के बारे में बात करते हैं। तो ये गांडीव धनुष कोई एक साधारण सा धनुष नहीं है, इसमें डिवाइन पावर है। और जब इस धनुष की प्रत्यंचा को खींच के छोड़ दिया जाता था तब इसमें बिजली की जैसा आवाज निकलता था, मतलब कि जब इस धनुष की डोरी को खींच के छोड़ दिया जाता था तब उससे एक आवाज निकलता था, वो सुनने के लिए एक बिजली की जैसा आवाज सुनाई दे रहा था। और इस धनुष में बहुत ही तेजी की गति के साथ और सटीकता के साथ तीर को चलाने का भी क्षमता था, जिसके वजह से यह युद्ध भूमि में एक फॉर्मिडेबल वेपन बन जाता था। और उसके बाद यह वेपन महाभारत के युद्ध भूमि में किस प्रकार का रोल निभाता है इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद महाभारत के युद्ध खत्म हो जाने के बाद ये वेपन का क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। महाभारत के युद्ध भूमि में यही गांडीव धनुष पांडवों की ओर से मुख्य भूमिका निभा रहा था, क्योंकि अर्जुन इस वेपन को यूज करके असाधारण के साथ और कौशलता के साथ युद्ध को जीतते जा रहा था, जिसके वजह से पांडवों की ओर से जीत देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद महाभारत युद्ध खत्म हो जाने के बाद पांडवों की अंतिम यात्रा के दौरान अर्जुन ने दिव्य शक्तियों के आदेश से ही इस गांडीव धनुष को वरुण देव को सौंप देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये वेपन ब्रह्मादेव से शुरू होकर आखिर में अर्जुन के पास पहुंचता है और अंत में अर्जुन जहां से इस धनुष को लाए थे वहां पे उनको सौंप देते हैं। लेकिन अभी एक सवाल आ रहा है कि कल की 2898 AD मूवी में हमको यही दिखाया गया था कि ये वेपन सुप्रीम यास्किन के हाथों लग चुका है, पता नहीं हो इसे किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे हो तो मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन आपको हमारे चैनल में नेक्स्ट वीडियो में गांडीव धनुष को पूरी तरह टक्कर देने वाला एक वेपन है जिसका नाम विजय धनुष कहा जाता है, उस धनुष को किसने बनाया था और उस धनुष को कौन यूज कर रहा था इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि 2 या 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो उस वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तो तब के लिए जय श्री कृष्णा।